इधर ही कहीं आए थे, रास्ते नहीं मिल रहा जाए का, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम अभी कवाडुल हिल पे हैं, आप देख रहे हैं रॉक्स देख रहे हैं, फैंड जाते हैं हम तो अब एक सपाट ऐसा लगेगा आपको। कौओं को झुंड पर कैसे सरवाइव किया जाता है ना, वो हम आपको बताते हैं। शहर के बारे में तो लोग को पता ही नहीं, क्या ही सोचते हैं। तो ये है कौआ ढोल, ये है कौआ ढोल का पहाड़। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना तो एक चट्टान सा दिखाई देगा, एक यहाँ पर नौ महामंडप पाया गया है। यहाँ बौद्ध की दीक्षा दी जाती थी। भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति है जो 10 फीट हाइट में। भगवान बुद्ध का चार मुद्रा में आसन हुआ है, जो चार शैली में बैठे हैं, वो चारों शैली इसमें। ये भगवान बुद्ध जो बैठे हैं भूमि स्पर्श है। कौआ ढोल में है, उसके ऊपर का रहस्य और इतिहास क्या है ना, वो चीज़ हम दिखाने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ हम बताएंगे। तो हम चलने वाले हैं इस रॉक स्टार के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। हम रहस्य जानेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मटर गश्ती वाले भैया मिल गए हैं, पहाड़ पे ही रहते हैं क्या? अरे इधर ही कहीं आए थे, रास्ते नहीं मिल रहा जाए का, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो चलिए मेरे साथ तो चला जाए क्या? चलो चलो चलिए चलिए। असली खासियत यही होता है पहाड़, आप देख रहे होंगे ना कि लग रहा है कि गिर जाएगा, ऐसे ही इसी तरीका से पहाड़ आपको दिखाई देगा चट्टान की तरह। इसको कितना भी बल लगा लेंगे ना तो गिरने वाला नहीं है। हम अभी कौआ ढोल हिल पे हैं, आप देख रहे हैं रॉक्स देख रहे हैं, इसमें इसी का नाम है कौआ ढोल हिल। लेकिन हम इसको ऊपर जाने से ये पता नहीं चलता है कि कितनी ये स्लाइड, अगर इसका बिहाइंड जाते हैं हम तो आप एक सपाट ऐसा लगेगा आपको, और दूर से देखें तो ऐसा लगेगा एक रॉक्स ऐसे हैं। और डियर पार्टी लिखे हैं, जो डियर पार्टी लिखे इसके बारे में कि कौओं को झुंड, जब उस पर बैठता था तो ऐसा प्रतीत होता कि वो डोल रहा है, इसलिए इस हिल का नाम पड़ा है कौआ ढोल। और यहाँ पर मोनेस्ट्री भी रहा है जो हम नीचे दिखाएंगे, मोनेस्ट्री है। और के मोहम्मद सर, ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे उस समय। तो के मोहम्मद सर का रिपोर्ट से ये जो बौद्ध की जो आपका स्टैचू दिखाएंगे हम, जो भूमि स्पर्श में है, वो भारत की सबसे बड़ी बौद्ध की। उस पर कैसे सर्वाइव किया जाता है ना, वो हम आपको बताते हैं। पहाड़िया है और काफ़ी खूबसूरत, मायने में काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे इतिहास है इसका, बहुत सारे रहस्य है। कौआ ढोल नाम क्यों पड़ा था उसका कहानी भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फॉलो नहीं किए तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। के बारे में तो लोग को पता ही नहीं, क्या ही सोचते हैं। तो कौआ ढोल के शानदार था पहाड़िया जो आपको देखे ही होंगे, इसका इतिहास भी हम बताए होंगे। हमारे राकेश भैया इतिहास से हिस्टोरिकल से अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हैं और अच्छा जानकारी भी दिए हैं। ये है कौआ ढोल का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इधर के मायने में तो लग रहा है कि कितना नीचे है। अगर उधर से व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना तो एक चट्टान सा दिखाई देगा, एक समतल एकदम पूरा जैसे लकड़ी खड़ा रहता है ना, उस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे ड्रोन शॉट में पता चल गया होगा कि किस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा अगर दूर से देखिएगा ना कि एक जैसे टी पॉइंट होता है ना, टी पॉइंट की तरह खड़ा है पहाड़। पहाड़ का यही खासियत है कि ये जो है चट्टान है,
ऐसा लग रहा है कि आपको गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है, यही रहस्य है। इसके नीचे अभी एक गौतम बुद्ध का जो जमीन से निकला हुआ मूर्ति, जो भारत का सबसे बड़ा मूर्ति है, तो इसके अभी हम नीचे सतह पे जाएंगे और वहाँ हम दिखाएंगे मूर्ति का रहस्य क्या। भाई देखिए कितना घना सा लग रहा है, इधर देखिए चारों तरफ, उधर भी देखिए। आइए देखिए संजीवनी, इसको हम दिखाते हैं आपको, इसका रहस्य भी हम बताएंगे। आपको पता चल गया होगा कि संजीवनी क्या काम में आता है। ये कितना शानदार लग रहा है, आखिर ये पहाड़ी पे ही होता है, पहाड़ के जंगलों में होता है। और ये पहाड़ जहाँ आपको दिख गया ना समतल, वहाँ ये नज़र आ जाएगा। और कई सालों से पुराना है, इसको अगर पानी में डालिएगा ना तो हरा, हम पहले भी जिक्र किए थे इसका, राजगीर में देखे थे, आज हम गया में हैं, कौवा डोल में हैं, और वहाँ की हम बात करें तो यहाँ भी मुझे दिखाई दे दिया है। आइए देखिए कितना हरा सा दिख रहा है, इसको पानी में डालिएगा तो आपको एकदम पूरा खिल जाएगा पूरा। तो खास करके डीआर पाटिल जो लिखते हैं, और ये कनिंगहम, खास करके कनिंगहम लिखते हैं कि यहाँ पर नौ महामंडप पाया गया है। नौ महामंडप में जब वो आए थे तो कुछ अवशेष देखे थे, वो उस तरह का अवशेष देखे थे वो, लेकिन धीरे धीरे ये सब टूट के बिखर गया। ये बिना बौद्ध की दीक्षा दी जाती थी। मैंने एक रिपोर्ट में और पढ़ा, जो आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग जो उठी हुई है, ये सारे जो घर अवशेष है जो ऊँचे ऊँचे पर दिख रहे हैं, टीले टीले पर है सब, ये एक तरह से उस समय एक टाउन बसा करता था। और जितने भी यहाँ पर खड़े जो रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते थे उसको बौद्ध की दीक्षा दी जाती थी यहाँ पे, इसलिए सरवनपुर महाबौद्ध विहार पे। बाद में यहाँ पर आए सिलभद्रा, जब सिलभद्रा है तो सिलभद्रा महाबौद्ध विहार हो गया ये। और एक ये के मोहम्मद सर जो आर्कोलॉजिस्ट, सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट इन इंडिया, उनको उन्होंने जब यहाँ पर आया तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ये भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति है जो 10 फीट हाइट में स्पर्श है। भगवान बुद्ध का चार मुद्रा में आसन हुआ है, जो चार शैली में बैठे हैं, वो चारों शैली इसमें। ये भगवान बुद्ध जो बैठे हैं भूमि स्पर्श है, ये आपका ज्ञान मुद्रा है, ये धर्म चक्र है जो भिक्षा पात्र लिए हुए हैं, और भिक्षा पात्र में जो मन की सहज दान दिया है तो वो देखिए मन की दी है, और ये दया मुद्रा है। इसी तरह से चारों मुद्राएं इसमें हम इंडिका में है, जो कि हर जगह पर नहीं पाया जाता। ये मूर्तियाँ खास करके जो है, हमने इस पर आर्टिकल भी लिखा था 2014 में, ये 6वीं शताब्दी के आसपास के ये मूर्तियाँ हैं जो लाई गई थी यहाँ का। ये आपका स्टोन का नहीं है, इसको ग्रेनाइट नहीं बोलेंगे, ग्रेनाइट ब्लैक नहीं होता है, लोग भले बोल दे। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, स्पर्श भूमि स्पर्श के जो किए हैं यहाँ पे। भारत में पहला ऐसा गौतम बुद्ध का प्रतिमा है जो खुदाई के दरमियान निकाली गई थी, और यहाँ जब खुदाई हुई थी ना तो ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकाली गई थी। अब भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा है, अगर बोध गया की बात करें तो बोध गया में प्रतिमा बनाई गई थी, वहाँ 7 फीट की प्रतिमा है। ये प्राकृतिक है, मतलब नीचे से निकली गई है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ 10 फीट की प्रतिमा है। और देख सकते हैं यहाँ नीचे स्थान है इनका, और एक ग्रेनाइट पत्थर नहीं है, इसको कोई और पत्थर बोला जाता है, वो मुझे भी नहीं पता है, गया जिले के कौवा डोल में है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का पाठशाला हुआ करता था, गौतम बुद्ध यहीं पे अपना पढ़ाई करते थे। जिस प्रकार से नालंदा खंडर में देखते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। यहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे पढ़ के आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो अगर कैसा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बॉक्स में बताइएगा। फिर आपका भाई मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।